तो नमस्कार दोस्तों, दो चक्का स्कूटी ड्राइविंग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं, ये मैम को आप लोग पहचान रहे होंगे। ये मैम अभी कुछ दिन पहले इनका वीडियो मैंने डाल रखा था, है ना। तो मैम सीख गई थी, तो अब जो है कि सर्कल लगा रही हैं खुद से। और आज लकली ही जो हमें अभी ट्रेनिंग देने आया था, ये मैम का भी टाइम नहीं था, बट ये सर के साथ प्रैक्टिस के लिए आई थी इस ग्राउंड पर। तो मुलाकात हो गई यहाँ पर मैम से, तो मैंने सोचा वीडियो भी शूट कर दूँ। सर ने एक्चुअली मुझे कॉल किया था कि अभी आप कहाँ ट्रेनिंग दे रहे हो, तो मैंने बताया, तो इस जगह पे मैम भी पहुँच रही है। तो देखिए, जो हमारे सेकंड कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर हैं। ये नहीं है, ये जो वाइट वाली स्कूटी, ये नहीं है, ये कोई दूसरे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस ग्राउंड पर। जो आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल वो कॉर्नर में, वहाँ पर वो मैम अभी आ रही हैं खुद से चलाने। आज उनका है फिफ्थ डे, पाँचवा दिन, और पाँचवें दिन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा कर रही हैं वो मैम। देखिए अभी वो ब्लू और जो वहाँ पर एकदम दूर से आ रही हैं अभी, तो अभी वो नीचे पांव रख के और स्कूटी को चला रही हैं। तो स्टार्टिंग डेज़ है अभी, मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा ही कर रही हैं। अगर फाइव डे के अकॉर्डिंग आपका देखा जाए, तो फिफ्थ डे आपका अगर ऐसा चला रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो है ये मैम अभी फिफ्थ डे है और पाँचवा दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ और हेलमेट लगा के। तो बेसिकली अभी मैम का ही टाइम था, ये जो अभी मैम मुझे गाइड कर रही हूँ, तो मैंने छोड़ दिया है बिल्कुल, क्योंकि अब ये काफ़ी अच्छा कर पा रही है बैलेंसिंग पाँव नीचे रख के। तो अब बस इनका क्या है, पाँव ऊपर रखवाना है, वो काफ़ी जल्दी रखवाऊँगा और आप लोग को रिज़ल्ट दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़, देखिए यहाँ पर अभी मैम खड़ी है, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ हमारा यही है कि आप लोग को मैं बता दूँ कि देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी देख सकते हो आप लोग, सर का वहाँ पर सर खड़े हैं, तो सर बेसिकली प्रैक्टिस करवाने आए हैं। और प्रैक्टिस करवा कर, जितना आप प्रैक्टिस करवाओगे, देखिए हम लोग तो आपको सिखा दिए, बट आप प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, है ना। अब मान लीजिए आपको कोई टीचर ने पढ़ा दिया और उसकी आप टास्क नहीं करोगे, उसका होमवर्क नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम तो आएगी। बट देखो ये मैम कितना मतलब मेहनत कर रही है इस धूप में भी, दोनों साथ में हैं। और जो वो वाइट वाली स्कूटी थी वो अननोन को ही है, वो घर जा रहे हैं अपने अपने फैमिली के साथ, शायद सीख रहे होंगे। बट ये जो है, आप ये मैम को देखो, और एक मैम वहाँ पर है जिन्होंने अभी, जिनको मैंने दिखाया, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। वो मैम का भी अभी पाँचवा दिन, पाँचवें दिन के अकॉर्डिंग तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो एकदम एक्सीलेंट वर्क कर रही हैं। और वो भी मैम बहुत जल्दी ये मैम की तरह ड्राइव करेंगी पाँव ऊपर रख के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से पाँव इस बार ऊपर रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पाँव ऊपर कैसे रखना है बता रहा हूँ, जब गाड़ी चलने लगती है, जब गाड़ी चलने लगे तो दोनों पाँव को आराम से ऊपर रखना है, ठीक है। बाकी मैं पीछे से थोड़े दूर तक, ठीक है, और जहाँ दिक्कत है आराम से पाँव भी नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोशिश करेंगे। हाँ, हाथ को टाइट नहीं करना, बस बढ़ाते रहना है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए अभी मैम को मैंने पाँव ऊपर रखना बताया, तो अभी पाँव फिर नीचे आ गई, क्योंकि अभी एक दो दिन टाइम लगेगा। अभी जस्ट मैम ने बैलेंस पकड़ा है, मतलब चौथे दिन ही बैलेंस पकड़ा था, उसके बाद आज ये पांचवा दिन है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है भाई, थोड़ा टाइम आप लोग को देना पड़ता है। तो अभी मैम कोशिश कर रही है, बार बार नीचे पाँव गिरेगी फिर ऊपर रखेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं, क्योंकि जब तक पाँव ऊपर जाएगी नहीं तब तक वो मैं प्रॉपर उनको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जो भी हमारे सीखने वाले होते हैं, जो भी कैंडिडेट, उनका पांव ऊपर जाता है और वो चलाने लगते हैं, देन हम लोग उनको कंप्लीट करते हैं, है ना। क्योंकि पांव ऊपर नहीं रख पा रहे हैं तो फिर वहां पर वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मतलब। तो इसीलिए जब तक पांव ऊपर नहीं रखेंगे तब तक उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो हमारे दो चक्का से, तो आप आ सकते हो रांची, पटना, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, इन जगहों पर हमारा परमानेंट ब्रांच है, जहाँ पर ट्रेनर हमेशा अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप लोग के सेवा के लिए। और बाकी तो मैं भी हर जगह रहता हूँ, मेरा कोई वैसा फिक्स नहीं होता है। देखिए अभी पाँव ऊपर किए ना, मेरा वैसा कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। बाकी देखिए अभी यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे लोग, तो साइड साइड में प्रैक्टिस करवानी पड़ रही है। बट देखिए आप लोग कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम को मत देखिए कि ये टाइम हो रही है, अभी धूप है, ये टाइम हो रही है, अभी रात है, ठीक है। मैं आपको एक और वीडियो
में दिखाया था कि उसमें कैसे मैम ने रात के 3 बजे, मतलब सुबह के 3 बजे आप कह सकते हो, या रात के 2:30 बजे हम लोग जाते हैं और उन मैम को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनके पास समय का बहुत प्रॉब्लम था, उनको ऑफिस जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने 2:30 बजे का टाइमिंग लिया था। तो इसीलिए यार टाइमिंग से आप लोग मत घबराना कि कौन से टाइम पे आप लोग सीख रहे हो, बस यार मेहनत करना, और अगर आप लोग लगे रहे ना, अगर टिके रहे, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ 100%। आज के डेट में किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं है, बट मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ, बस आप लोग छोड़ना मत उस चीज़ को, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, 1 महीने ना क्यों 2 महीने। अगर अकेले सीख रहे हो तो समय लग रहा है, बट घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो वहाँ पर सर और मैम दोनों, तो सर उनको मतलब टिप्स दे रहे हैं थोड़ा सा, और उनकी ट्रेनिंग तो हमने कंप्लीट करा दी, वो मैम चला रही हैं, बाकी आप लोग देख सकते हो सामने से मैम आ रही हैं, ठीक है। पाँव पर रख के देख रही हैं मैम, ट्राई तो कर रही हैं, कोशिश अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करूँगा, और बस आप लोग मेहनत करते रहिए और बहुत जल्द आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।